हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं प्रज्वल प्रकाश धीमान और आज हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक पे कि मैंने कैनरा बैंक ऑफिसर पोस्ट क्यों छोड़ दी। चलिए शुरू करते हैं यार। जब बात निकली है तो शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत भी वहां से जहां से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। प्रिपरेशन स्टार्ट बंदा करता है क्योंकि उसे लगता है कि यार एक जॉब सिक्योरिटी होगी, एक अच्छी जॉब होगी, बंदा खुश रहेगा। ये नहीं कि प्राइवेट की तरह रोज अब ये अब वो टेंशन लेके मन में जीना। उससे छुटकारा पाने के लिए बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में आता। एक यही सोच के साथ मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की। गवर्नमेंट जॉब में सबसे आसान और सबसे आसान नहीं कह सकते, सबसे जल्दी मिलने वाली जॉब बैंकिंग की होती है क्योंकि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से होता है और जल्दी मिल भी जाती है। बाकी सीजीएल की तरह नहीं कि भाई पंचवर्षीय योजना चल रही है, बैंकिंग ऐसा नहीं है। तो इसलिए सब वो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं। हमने भी बैंकिंग की तैयारी करी भाई। अब स्टार्टिंग में एक साल तो हमने भी लापरवाही करी कि यार पढ़ लिया नहीं पढ़ा। फिर जब दिखा कि यार कोई ऑप्शन नहीं है तो सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस। मुझे याद है यहाँ मुजफ्फरनगर में ठंड के दिन, जब ठंड के दिन निकलते हैं दिसंबर जनवरी यही महीने, इतनी गंदी कोहरा होता है, इतना गंदा कोहरा होता है भाई साहब। सुबह के टाइम बहुत ज्यादा, मतलब विजिबिलिटी बहुत कम, यहां से यहां तक का नहीं देख सकते आप, इतना कोहरा होता है। उसमें भी सुबह 5 बजे उठ रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ना है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, बट फिर भी रोज छोड़ रहे हैं और रोज पढ़ रहे हैं कि यार एक पेपर निकालना है, सिर्फ एक पेपर निकालना है, एक दिन एक जॉब हासिल करनी है और लाइफ सक्सेसफुल बनानी है अपनी। वरना किसी शादी ब्याह में नहीं जाता, अपने दोस्त रिश्तेदार छोड़ देता है सिर्फ एक पेपर के लिए कि यार एक पेपर निकालना है। जो कैलकुलेशन वो उसे टफ लगती थी वो उसे डेली करता है, उसे अपना सर खपाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक दिन अपना पेपर निकालना है। जिसे ये याद नहीं रहता था कि मम्मी ने सामान क्या लेने भेजा है मार्केट में, वो पूरे इंडिया की जी याद रखता है। क्यों? क्योंकि उसे एक दिन एक पेपर निकालना है। वो सारे सेक्रीफाइसेस करता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसे एक दिन एक पेपर निकालना है। वो लगातार पेपर देता है, एक देता है, दो देता है, नहीं निकलते, फिर दोबारा देता है, नहीं निकलता, फिर तिबारा चौबारा लगातार देता है। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ एक पेपर निकालना है। वो हर बार अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलता है, अपने माँ बाप को भरोसा दिलाता है कि सिर्फ उसे एक पेपर निकालना है। और फिर वो एक दिन पेपर निकाल भी लेता है, पर उसके नसीब में क्या आता है? कैनरा बैंक। उसे नहीं पता होता कि कैनरा बैंक क्या बस के दवा है, पर वो खुशी खुशी जाता है कि भाई ट्रेनिंग होगी, ये होगा वो होगा। फॉर श्योर कैनरा की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि बाकी बैंकों ने ऑफलाइन ट्रेनिंग कराई है, कैनरा ऐसा बैंक था जिसने ऑफलाइन ट्रेनिंग जारी रखी थी। उसके RSTCs थे, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स, उसमें उन्होंने ट्रेनिंग कराई, बहुत शानदार ट्रेनिंग, 5 स्टार जैसे होटल उन्होंने बुक करे, खाना टाइम पे, चाय टाइम पे, लेक्चर्स चल रहे हैं, बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल बन गया था, 4-5 लड़कों का हमारा सर्कल बन चुका था। हम बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी। पेपर निकलते हैं तो उसके बाद ऐसे दोस्त मिलते हैं, फिर लगता है कि यार लाइफ सेटल है, अब और क्या चाहिए जिंदगी में। फिर ट्रेनिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लास्ट के दिन, लास्ट से पहले दिन एक कल्चर फेस्टिवल होता है, कुल शानदार लाजवाब कल्चर फेस्टिवल, सारे बच्चे एक से एक बढ़के परफॉर्मेंस, पूरी रात मजा आता है भाई। रात को लेट होटल जाते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के आते हैं, सुबह उठ के आते हैं तो पता चलता है आज सर्कल अलॉट होने वाला है। हम वेट करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, हम फिर भी वेट करते हैं, शाम के 8 बज जाते हैं, हमें भूख लगती है, पर हम फिर भी वेट करते हैं कि सर्कल अलॉट हो। फिर जब हमें दिखता है कि आज खाना नहीं बना है तो हम ऑर्डर कर देते हैं कि आप आसपास कुछ खाने का जरिया नहीं है, एक बर्गर तो खा ही लेते हैं। हम 4-5 लड़के थे, हमने ऑर्डर कर दिया बर्गर का, और रात के 9 बजे के आसपास हमें सर्कल मिल जाता है 5 लड़कों को, जिसमें हमें मिलता है मदुरई सर्कल। यूपी में हम रहते हैं, हमें दिया गया है मदुरई सर्कल, वो भी एक गाँव में, जो हमें पढ़ा भी नहीं जा रहा है, करकुड़े करके लिखा है कुछ। मदुरई जानता हूँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, वो कोई पंजाबी भी नहीं है कि तुसी मुस्सी करके आप समझ जाओगे, या राजस्थानी भी नहीं है कि थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगा, वो तमिलनाडु है, वहां की लैंग्वेज ही अलग है। बट नहीं, क्योंकि कैनरा बैंक साउथ का है तो वो ज्यादातर पोस्टिंग साउथ में देता है, पर ये बात हमें पता थी, हम इसे निग्लेक्ट कर रहे थे कि शायद हम बच जाए, और हम नहीं बचे। हमें भी काले पानी की सजा दे दी गई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ना, पर हमें लगा कि शायद ये पढ़ने में अजीब लग रहा है, क्या पता वहां जाकर थोड़ा अच्छा लगे, तो हमने एक दूसरे का सहारा बांधना शुरू किया। 4-5 लड़के थे, हमने एक दूसरे का सहारा बांधा।
उसमें से फिर एक रो पड़ा, क्योंकि वो पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क छोड़ के आया था इस उम्मीद में कि वो ऑफिसर बनेगा। अगर वो पीएनबी में रहता तो एक साल में ऑफिसर बन चुका होता और घर के घर में रहता। अब उसे मदुरई जाना पड़ रहा है। सर नो तमिल, नो तमिल सर, हिंदी हिंदी हिंदी, नो तमिल, नो तमिल सर, नो तमिल, हिंदी हिंदी हिंदी, नहीं आती भाई तमिल, तमिल हिंदी। इवैल्यूएशन देखिए कैनरा बैंक एचआर सेक्शन का, कि उन्हें ये तक इतना भी होश नहीं है कि जो बंदा क्लर्क की जॉब छोड़ के आया कुछ क्वालिफिकेशन होगी उसे थोड़ा सहूलियत दी जाए, कोई ढंग की पोस्टिंग दी जाए, नहीं जाओ मदुरई जाओ। एक बीओबी का बंदा था वो क्लर्क छोड़ के आया था, उसे भी सेम मदुरई। क्या क्या इवैल्यूएशन क्या है आपका, ये तो वही जाने, उन्हें ही पता होगा। छोड़ो, हमें लगा यार लिखने में थोड़ा अजीब, देखने में अजीब लग रहा है, क्या पता जाकर अच्छा लगे। तो हमने एक दूसरे की हिम्मत बांधी, बर्गर खाए और एक दूसरे को गले मिले और हम निकल लिए अपने अपने। मैंने अनमोल को फोन करा, ये बंदा वही है जो पीएनबी क्लर्क छोड़कर आया था। मैंने उसे फोन करा, मैंने कहा भाई टिकट बुक कर ले, दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि इसकी भी लगभग मेरे से आसपास ही पोस्टिंग थी, सेम एयरपोर्ट पर रहा था। मैंने कहा ठीक है चल, मैं इसके साथ चल दिया। तो हम एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई चलो ठीक है, जैसा भी है निभा लेंगे निभा लेंगे। बात वही है यार, बंदा दिन रात मेहनत करता है सिर्फ एक पेपर निकालने के लिए कि यार अच्छी जॉब लग जाएगी, एक अच्छा बैंक मिल जाएगा। बट उन्हें क्या पता यार उनके नसीब में, हमें क्या पता था हमारे नसीब में केनरा बैंक लिखा है। मतलब इतना इतना कमकल बैंक कैसे, अरे यार तुम ही सोचो यार बंदा सर्वाइव कैसे करेगा, सर्वाइवल ही एक टास्क है उसके लिए, फिर ऊपर से उसे बैंकिंग सीखनी है। कोई तुम ट्रेनिंग में इतना पूरा ज्ञान तो दे नहीं देते कि बंदा चाणक्य हो जाए बैंकिंग के बारे में, सीखना तो उसे ब्रांच में जाके ही है। अब तुम ब्रांच ऐसी दे दो कि बंदा स्टाफ से बात ना कर पाए अपने, उसे कस्टमर से बात ना कर पाए, तो क्या घंटा सीखेगा वो प्रोफेशन में। फिर एक साल डेढ़ साल होते फिर तुम उससे पूछोगे कि यार तुम तो एक डेढ़ साल हो गए तुम्हें कुछ आया नहीं अभी तक, अरे यार तुम भेगोगे ऐसी जगह तो बंदा क्या सीखेगा। मैं तो फिर भी न्यू हूं, जो बंदे क्लैरिकल पे रह चुके हैं वे छोड़ छोड़ के आए हैं, उन्हें तो बैंकिंग आती थी, उन्हें तो बैंकिंग का पता था, वे भी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। क्या कैनरा बैंक वालों को जरा सिया कर ली कहां कैसे पोस्टिंग दी जाती है, और अगर देनी ही है, मैं मान लो चलो देनी है, इतनी बुरी पोस्टिंग तुम्हें देनी है। एक तो आईबीपीएस पीओ जितने भी बैंक है इनका सबसे बेकार चीज तो ये, पहले ट्रेनिंग देते हैं आपको कि पहले आप बॉन्ड साइन कीजिए, पहले ट्रेनिंग लीजिए, फिर बताएंगे आपको पोस्टिंग कहाँ है, फिर आपको भेजेंगे जहां भेजना है। अरे भाई जब इतनी दूर भेजना है तो बता दो एक बार कि भाई इतनी दूर भेजेंगे, बताओ करनी है नहीं करनी है, बंदा पहले मना कर दे। पहले आप उससे बॉन्ड साइन करवाओ, उससे ट्रेनिंग दो, फिर उससे 3-3.5 लाख रुपए आप वसूलो कि भाई अच्छा जा रहे हो, लाओ 3-3.5 लाख रुपए वापस दो और मेंटल टेंशन ले जाओ। स्टार्टिंग के एक हफ्ते तो मैं अपने खर्चे पे रहा होटल में, मुझे डेली होटल से ब्रांच जाना, फिर होटल में आना, खाने के लिए ढूंढना, अब खाना कहाँ मिलेगा, होटल वाले से इंटरेक्शन करना कि यार ये चाहिए, वेज चाहिए वेज चाहिए, चावल बहुत खा लिया कुछ और चाहिए, रोटी तो होगी तुम्हारे पास, कुछ ऐसा। एक दो हफ्ते बहुत फ्रस्ट्रेशन रहा, मैं क्या यार शायद होटल में रह रहा हूँ अभी कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे रूम मिल जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो रूम के लिए सर्च करने लगे, 70,000 रुपये 80,000 रुपये डाउन पेमेंट, सिक्योरिटी मांग रहे हैं। मैं क्या यार इतना तो अभी कमाया भी नहीं, पहली सैलरी भी नहीं, तुम 70,000-80,000 रुपये मांग रहे हो। फिर एक ऐसे तैसे करके एक रूम मिला, खाली दीवारें, उसने कितना 30,000 में मान गया कि भाई 30,000 आप डाउन पेमेंट कर दो और सिक्योरिटी दे दो और बाकी रहना शुरू करो। तो अपनी जेब से उसे 30,000 रुपये दिए और फिर धीरे धीरे रहना शुरू किया। एक फोल्डिंग लाए, थोड़ा थोड़ा सामान लाए थे सब, फिर डेली ब्रांच वहीं से जाते थे। फिर भी यार लाइफ में वो सुकून नहीं आया, डेली फ्रस्ट्रेशन सी होती थी यार, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतनी दूर क्यों पढ़े हैं, क्या हो रहा है जिंदगी में, इस दिन इस ये गधा मजदूरी के लिए इतनी पढ़ाई की थी क्या। नो डाउट पैसे आने वाले थे, जैसी सैलरी की डेट आने वाली थी वैसे भी आने वाले थे, अब आ रहे होंगे, बल्कि जो लड़के वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं कर पा रहे हैं उनकी सैलरी आ रही होगी, पर
मुझे मोरालिटी पे डाउट था कि यार कैनरा बैंक इस दिन के लिए इतनी मेहनत की थी क्या कि बंदा इतनी दूर फेंकेगा, ऐसी हालत करेगा हमारी, ये चीजें नहीं सोची थी, इतना बुरा नहीं सोचा था। काफी हैप्पी हैप्पी सा ड्रीम करता है ना, तो ड्रीम के कहीं भी मुकाबले में था नहीं वो चीज। फिर एक दिन न्यूज आई कि हमारा एक साथी था, वो 4 दिन रहा वहां पे और उसने रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि उसका स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं था, उसको बुखार हुआ, फिर भी स्टाफ कह रहा है काम करो काम करो, कुछ हुआ होगा उसका भी, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट उसने 4 दिन में रिजाइन दे दिया। मैं भी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहा था वहां पे रह रहे के, तो मैंने एक 4-5 छुट्टियां आ रही थी मेरी, एक साथ 2 छुट्टियां आ रही थी, 2-3 मैंने ली, 4-5 हो गई, और मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करी और मैं घर आया। मैं घर आने से पहले मम्मी से पूछा कि मम्मी घर आ रहा हूँ क्या क्या लाऊं, तो मम्मी ने कहा कि यार खाली बैग ले आना, वो जो सूटकेस पड़ा है वो ले आना खाली, और जब इधर से सामान ले जाएगा तो ले जाने में सहूलियत होगी। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं निकलने वाला था तो मैं कह यार नहीं नहीं खाली सूटकेस ही नहीं, सूटकेस ले जा रहा है तो भर के ले जाऊं। मैंने सारा सामान तमाम जाम बांधा और निकल गया। मैं कहा मन हो आ जाऊंगा वरना नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अभी तक मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, मैं जा रहा हूं। बस में बैठ के एयरपोर्ट तक गया। एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचा मेरे पास मैसेज ईमेल आया कि सर आपका जो क्लर्क में सिलेक्शन हुआ था वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ज्वाइन नहीं करा, आपको सेकंड अटेम्प्ट दिया जा रहा है। मैं लिटरली मैं कह यार सही में मुझे ऐसी वाली फीलिंग आई कि जैसे पीएनबी कह रहा है जब घर आ रहे हो तो यार हमसे ही मिलते जाना, तो वो वाली फीलिंग आई। मैं कह यार चलो इसे इस बात को घर जाकर डिस्कस करते हैं। तो घर आए, घर आके मैंने फिर फैमिली से डिस्कस किया, तो वही है मैंने फिर यहाँ फैमिली से डिस्कस किया, सीनियर्स जो थे कैनरा बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई 4 साल से पहले तो तुम वहां से आ नहीं सकते, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम कैनरा बैंक तो ऐसा ही है, देखो क्या कर सकते हैं इसमें, साउथ पोस्टिंग ही देता है, उसके पास वैकेंसी ही वही है। तो यार मैं फिर वही कहता हूँ, अगर चलो मान लिया तुम्हारे पास साउथ में ही पोस्टिंग है तो तुम बता तो दो एक बार बच्चों को कि भाई साउथ में है, जाना है नहीं जाना है, पहले तुम बॉन्ड साइन करा लेते हो, फिर इतनी भारी भरकम ट्रेनिंग दे देते हो जिसमें सबको पता है क्या ही सीख लोगे, इतनी भारी भरकम खर्चे की ट्रेनिंग दे देते हो, फिर बच्चों से कहते हो लाओ 3 लाख रुपए दे दो, 3.5 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो। अरे भैंस क्या, अगर तुम पहले बता दो इतनी दूर जाना है तो बंदा जो ही नहीं ना करे। वही हमारे दोस्त का कहना, बता दो पहले, नहीं करवानी थी पहले बता देते भाई। कई लोग कहते हैं कि यार ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको तो ये सोचना चाहिए था कि बाहर तो भेजेंगे। अरे भेजेंगे जानता हूँ यार भेजेंगे, पर आप ऐसी जगह तो भेजो बंदा सर्वाइव कर जाए। मतलब मैं मेरा खुद लिटरली खुद प्लान था कि मैं अपने होम सिटी में नहीं रहना चाहता, मुजफ्फरनगर है मेरा होम सिटी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था। मैंने कहा ठीक है कहीं बाहर निकलेंगे, वहीं अपनी फैमिली को ले जाऊंगा, वहीं रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैंक किराया देता है, हमें क्या फर्क, अपना अच्छा सा रूम लो, सारी फैमिली को रखो, मौज करो। पर इतनी घटिया जगह देगा, अगर मैं वहां तमिलनाडु में अपनी फैमिली को ले जाऊं क्या मेरी फैमिली वहां सर्वाइव कर पाएगी? मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है बल्कि मेरी फैमिली को नहीं आती, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली सर्वाइव कर लेगी क्या? मनुष्य फालतू के मनुष्य। खैर अब जो भी है वो बुरे दिन अब छोड़ दिया, मैं पीएनबी में हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में, यही मुजफ्फरनगर में अपने घर से थोड़ा सा दूर है, मेरी ब्रांच है, अपना जाओ काम करो और आ जाओ, लाइफ में थोड़ा सुकून है, उतना नहीं है। कैनरा बैंक काफी बुरा चैप्टर है मेरी लाइफ का, मैं बात नहीं करना चाहता, बस ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि एक बार मैं सबको बताना चाहता था क्या क्या हुआ है। अब मैं पंजाब नेशनल बैंक में हूँ, कैनरा बैंक ऑफिसर छोड़िया है मैं, और क्यों छोड़िया उसका रीजन ये था। धन्यवाद।